खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से, जहां कुछ लड़कों को लड़कियों को छेड़ना काफी महंगा पड़ गया। लड़कियों ने पहले तो 5 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। दरअसल जिन लड़कियों से इन मंचलों का पाला पड़ा वो सभी कराटे सीख रही हैं। दशहरे के मौके पर जब लड़कों ने इन लड़कियों को पंडाल में छेड़ने की कोशिश की तो लड़कियों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। पत्ते की तरह कांप रहे हैं भुवनेश्वर के पुलिस स्टेशन में खड़े ये लड़के। लड़कियों ने इतना मारा कि लाज से पानी पानी हो गए हैं सारे के सारे राय बहादुर। जिस दिन पूरे भारत में रावण का दहन हो रहा था, पता नहीं कहां से अंदर का दुशासन जाग गया था। मवालियों के अंदाज में दुर्गा पंडाल के बाहर खड़े थे, आते जाते लड़कियों को घूर रहे थे। किसी ने विरोध नहीं किया तो हौसला बढ़ता चला गया। रात 10 बजे उत्कल कराटे स्कूल की लड़कियां आईं। लड़कों ने यहां चूक कर दी, देखकर कमेंट पास करने लग गए। पहले तो लड़कियों ने इग्नोर किया, लेकिन लड़के पीछे ही पड़ गए, फप्तियां कसने लग गए, पीछा करने लग गए। लड़कियों ने फैसला किया भूचाल तो लाकर रहेंगे। कुछ लड़के भाग गए, कुछ लड़के भिड़ गए, और जो भिड़ गए थे उनका हाल देखिए। गले पर जख्म, पीठ पर जख्म, हाथ पर जख्म, और लड़कियों को उनके साहस ने बचा लिया। लोग गए थे सब घूमने के लिए 100 गर्ल्स ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, हाँ 2 बस में गए थे, और वहाँ पे बरमुंडा में फर्स्ट वो लोग हम लोग को कमेंट किए, फिर फॉलो किए, नयापल्ली में आके मिसबिहेव किए और हम लोग अटैक किए। वो थे 5, फिर आगे 15। ये सारी लड़कियाँ कराटे सीखती हैं, गरजती हुई आवाज किसी को भी परास्त कर दे। दुर्गा की अवतार इस सोच को परास्त कर रही हैं कि लड़कियां अपनी रक्षा नहीं कर सकती। सौंदर्य और शक्ति के स्वरूप को भुवनेश्वर की पुलिस भी सलाम कर रही है। देखिए तो कोई अगर कोई सेल्फ डिफेंस कोर्स करता है, लड़की या लड़का, तो थोड़ा सा एम्पावर्ड फील करता है, तो डेफिनेटली कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो रजिस्ट करने का एक साहस आता है, तो इट विल हेल्प। सैंड बैलून पर किक, टायर पर हथौड़ों से प्रहार, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। यही ताकत जब विजयादशमी को एक हुई तो बिखरती चली गई सड़क छाप गुंडों की ताकत। इन्होंने दिखा दिया कि डंबल उठाना और टायर खींचना रोटी बनाने से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 5 वो लड़के पुलिस की हिरासत में हैं जिसे लड़कियां पकड़कर थाने लाई थी, बाकी तो भाग गए। लेकिन ऐसी ही खबरें महिलाओं की शक्ति को सम्मान देती हैं। अगर लोग देखेंगे कि हाँ ये थोड़ी मतलब स्मार्ट गर्ल है तो कोई डेयर नहीं करेगा उसको छेड़ने का। अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जाएंगे तो ऑब्वियसली सब कोई ट्राई करेगा। सिर्फ हाथ एंड पैर से ही एज ऑन पिटाई किए हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये लड़कियाँ कराटे सीख कर अपने अस्तित्व को नया आयाम दे रही हैं। ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं, निगाहें हैरत में डूब जरूर जाती हैं, लेकिन भरोसा बहुत बड़ा हो जाता है हर माँ बाप का। राह में अगर कोई रास्ता रोकता है तो लड़कियां अब रोकर नहीं, रुलाकर आएंगी।